नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको सिने सतरंगी बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा जुल्का के बारे में बताएंगे जी हाँ दोस्तों आयशा जुल्का के जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ रहस्यों और कुछ बातों के बारे में बताएंगे तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों आयशा जुल्का का जन्म अट्ठाईस जुलाई उन्नीस में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था दोस्तों आयशा जुल्का एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं बल्कि उड़िया कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है इन्होंने बहुत सी फिल्मों में जैसे कुर्बान जो जीता वही सिकंदर खिलाड़ी मेहरबान दलाल बलमा वक्त हमारा है रंग संग्राम जय किशन और मासूम जैसी फिल्में इनकी बॉलीवुड फिल्मों में की गई फिल्मों में की फहरिस्त में शामिल हैं दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आखिर तक मेरे साथ बने रहें दोस्तों आयशा जुल्का जो कि 28 जुलाई उन्नीस में जन्मी ये विंग कमांडर इंद्र कुमार जुल्का जो कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं इनकी बेटी हैं। नब्बे के दशक की एक्ट्रेस आयशा जुल्का का जन्म श्रीनगर में हुआ था इन्होंने केवल 11 साल की उम्र में ही उन्नीस में आई फिल्म कैसे कैसे लोग से डेब्यू किया था उन्होंने अपने 27 साल के करियर में करीब बावन फिल्में की हैं आयशा जुल्का ने फिल्म जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान की बचपन की दोस्त अंजलि का रोल निभाया था फिल्म में आयशा के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया उनकी मुख्य फिल्मों में बल्मा रंग वक्त हमारा है और दलाल शामिल हैं अगर कंट्रोवर्सीज की और इनके रिलेशनशिप्स की बात करें तो आयशा जुल्का का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है फिल्म में आयशा और अक्षय कुमार की जोड़ी को जहां दर्शकों ने खूब पसंद किया तो वहीं उनके अफेयर के किस्से भी उस दौरान बॉलीवुड गलियारों में चल रहे थे लेकिन अक्षय कुमार उस वक्त इस रिलेशन को लेकर गंभीर नहीं थे जिसकी वजह से अक्षय के साथ आयशा ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया उन्नीस में, में आयशा जुल्का ने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म दलाल की फिल्म के साथ ही दोनों का अफेयर शुरू हो गया कहा तो यहाँ तक जाता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे फिल्म में काफ़ी बोल्ड सीन थे लेकिन जिसकी वजह से ये मामला कोर्ट तक भी पहुँच गया शायद ये फिल्म करना आयशा जुल्का की एक बड़ी गलती थी क्योंकि इसके बाद उनका करियर लगभग खत्म हो गया साल 2003 में आयशा जुल्का ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म आँच में खूब बोल्ड सीन्स दिए थे फिल्म में आयशा और नाना के बीच इंटीमेट सीन फिल्माए गए जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और इन में रहने लगे उस वक्त मनीषा कोयराला और नाना पाटेकर के बीच भी नज़दीकियों की खबरें थी कहा जाता है कि आयशा जुल्का की वजह से मनीषा कोयराला और नाना पाटेकर के बीच ब्रेकअप हो गया हालांकि आयशा और नाना के बीच भी रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाया साल 2003 में ही नाना से अलग होने के बाद उन्होंने बिजनेस टाइकून समीर वाशी से शादी कर ली अभी दोनों की एक बेटी है फिल्मों से दूरी बनाने के बाद आयशा फ़िलहाल अपने पति के साथ बिजनेस संभाल रही हैं लेकिन उन्होंने फिर से बॉलीवुड में दस्तक दी 2018 में आई फिल्म जेनियस से और अब हम आशा करते हैं कि हम हमें अब आगे भी उनकी फिल्में देखने को मिलती रहेंगी दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जय हिंद